जनरल साइटेशन रिपोर्ट 2023 अनाउंस हो चुका है। मेजर जो चेंजेस है एएससीआई एंड ईएससीआई जनरल को दिस टाइम इंपैक्ट फैक्टर मिल रहा है। जो 9000 अराउंड जनरल है, अराउंड 3000 पब्लिशर से जिनको फर्स्ट टाइम इंपैक्ट फैक्टर मिल रहा है। सो इंपैक्ट फैक्टर फॉर द ईयर 2022 जो हम देखते हैं जेसीआर 2023 में, तो इसको हम क्रॉस चेक करेंगे, क्योंकि बहुत सारों के मन में ये होगा शायद, और आई एम श्योर कि जब वो ई एस सी आई जनरल पहले देख रहे थे एंड थिंकिंग टू सबमिट देयर पेपर, तो शायद गाइड से और यू नो खुद का एक मोटिवेशन होता है कि नहीं उसका इम्पैक्ट फैक्टर आने दो एंड देन विल सबमिट टू दैट जनरल। तो उसको क्रॉस वेरीफाई कैसे करें, क्योंकि अभी क्या हो सकता है कि बहुत सारा जनरल क्लोन जनरल भी आ सकता है, दैट यू हैव टू बी केयरफुल। कुछ कुछ फेक इम्पैक्ट फैक्टर भी डाल सकते हैं, यू नो ई एस सी आई ने लेके और कुछ इंडेक्सिंग आप वहाँ पर फिर उलझ सकते हो, मतलब आपका काम फंस सकता है, जो कि होता है नॉर्मली बहुत टाइम पे वो चल रहा है। तो उसको हमको कैसे अवॉइड करना है, उसी के बारे में हम एक क्रॉस चेक एक प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं, जो है मास्टर जर्नलिस्ट। मोस्ट ऑफ यू माइट हैव नोन इट कि वहाँ पे हम क्या करते हैं, बट स्टिल लेट्स यू नो जंप टू मास्टर जर्नलिस्ट। आई विल कीप दिस, मैं ये वेब लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। तो बेसिकली आप यहाँ पे लॉग इन भी कर सकते हो, आई थिंक इफ यू हैव वेब ऑफ साइंस यू नो एक प्रोफाइल अगर है आप लॉग इन भी कर लो, विदाउट लॉग इन ऑल्सो यू कैन परफॉर्म इट, देयर इज नो नीड टू वरी ऑन दैट। तो यहाँ पे हमको बेसिकली आपको क्या करना है, एक जर्नल अगर आपके माइंड पे है, लेट मी टेक यू टू वन ऑफ द जर्नल। अभी ये जर्नल इंडस साइंस का है एंड यू सी बिकॉज दे आर फास्ट एज आई टोल्ड कि कुछ कुछ जर्नल यू नो इफ दे वांट टू शोकेस देयर अचीवमेंट दे शुड, और यहाँ पे वो अपना मेंशन कर चुके हैं कि इम्पैक्ट फैक्टर आ गया है 1.1, 5 ईयर इम्पैक्ट फैक्टर 1.2 है एंड जेसीआई जो अलग एक इम्पैक्ट एनालिसिस है उस पर अभी नहीं जा रहा, तो इम्पैक्ट फैक्टर 1.1 है। तो शायद आप सोच रहे हो कि नहीं ये शायद एससीआई शायद होगा उसलिए आया है, नहीं आप यहाँ पे चेक करो जो इंडेक्स्ड है वो है ई एस सी आई पे, तो ई एस सी आई पे है। एंड आज हम बात कर रहे हैं जुलाई 2023, मतलब कल ही रिलीज हुआ है, बट जनरल जो पार्ट ऑफ क्लेरिवेट है दे गॉट द इंफॉर्मेशन फ्यू डेज अर्लियर, तो दैट्स व्हाई दे हैव अपडेटेड इट। तो यहाँ पे ये ई एस सी आई जनरल है एंड वो अपना अपडेट कर चुके हैं, तो हमको बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि एक रेपुटेड पब्लिशर है तो आई एम श्योर कि यहाँ पे फेक इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, बट स्टिल टू रिकन्फर्म द इंडेक्सिंग इम्पैक्ट फैक्टर रिकन्फर्मेशन हम थोड़ा टाइम बात करेंगे, बट कम से कम एज ऑफ नाउ हम क्या कर सकते हैं ई एस सी आई पे इंडेक्स है कि नहीं वो कन्फर्म कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी क्लेरिवेट और वेब ऑफ साइंस ने डिक्लेयर कर लिया है कि ई एस सी आई एंड ई एस सी आई को इम्पैक्ट फैक्टर मिल रहा है, सो दैट वी आर कन्फर्म्ड ऑन दैट न्यूज। तो यहाँ पे आके मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं, आप आइदर ISSN नंबर भी ले सकते हो, जनरल का नाम ले सकते हो, और यहाँ पे मास्टर जनरल लिस्ट पे आके आप सर्च परफॉर्म कर लो। तो सर्च करने के बाद आई एम श्योर यू विल गेट टू नो द इन्फॉर्मेशन, यस एग्जैक्ट फाउंड अगर आपको मिल रहा है दैट मीन्स द टाइटल जो हमने मेंशन किया था एग्जैक्ट वो आया, नहीं तो वो सजेस्टेड इन्फॉर्मेशन हमको देता। तो यहाँ पे मेंशन है वेब ऑफ साइंस का कोर कलेक्शन में ई एस सी आई में वो मेंशन है, तो यहाँ पे आप व्यू प्रोफाइल भी कर सकते हो। वो कब आप कर पाओगे, जब आप लॉग इन किए होगे आपका वेब ऑफ साइंस अकाउंट पे, तो यहाँ पे आप व्यू प्रोफाइल करके भी यहाँ पे वो पब्लिशर का वेबसाइट बताता है, देन जे सी आर का जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली दैट इन्फॉर्मेशन वी मतलब हम मैक्सिमम लोग शायद एसएस नहीं कर पाएंगे अगर हमारे पास एसएस नहीं है। अगर इंस्टीट्यूट के थ्रू आपका एसएस है वेब ऑफ साइंस का, बहुत ही कम इंस्टीट्यूट पे है इफ़ आई टॉक अबाउट यू नो इंडिया नियर बाय कंट्री, तो वो कर सकते हैं और आप एक कलीग के थ्रू भी कर सकते हो, दैट इज देयर। देन दिस जनरल साइटेशन इंडिकेटर, दिस इज अनदर यू नो एक इंडिकेटर है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो 2021 में क्या था, अभी 22 में क्या है, सो इट इज ऑलमोस्ट सेम, तो दैट इज वन ऑफ द इंडिकेशन, उसको हम बाद में बात करेंगे इन अदर वीडियो, यहाँ पे बाकी इंफॉर्मेशन पे आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया, इस पेज पे आने का मकसद क्या है, मान लो ये जर्नल पे आपने
सिलेक्ट किया हुआ है, मतलब आप सोच रहे हो कि सबमिट करना, बट सिमिलर जर्नल भी आपको फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे कर सकते हो? यहाँ पे एक ऑप्शन है फाइंड सिमिलर जर्नल, तो यहाँ पे आप अगर आप जाओगे, नाउ यू विल गेट सिमिलर जर्नल जो कि उसी फील्ड पे पब्लिश कर रहे हैं, एंड नाउ यू गेट ओनली जर्नल दैट आर इंडेक्स इन ESCI. आप देखो सभी केसेस पे ESCI पे इंडेक्स है, एंड दीज आर द सिमिलर जर्नल विच यू कैन थॉट ऑफ सबमिटिंग. सो इट इज इन एन अराउंड. मैं आपको एक रास्ता बता रहा हूँ, अगर आपका जर्नल जो आपने डिसाइड किया है दैट इज वेल एंड गुड, अगर वहाँ पे आप सबमिट करना चाहते हो, बट अल्टरनेटिव ऑप्शन रख सकते हो, अगर इन केस आपका रिजेक्शन होता है तो यू कैन थिंक ऑफ सिलेक्टिंग फ्रॉम दिस लिस्ट वेयर दिस आर अगेन. अगर आप ESCI को टारगेट कर रहे हो तो यहाँ पे आ गया. तो ये एक प्रोसेस हो गया जर्नल को कंफर्मेशन आपको अगर मिल रहा है तो. अभी मैं फिर स्क्वायर वन पे बैक पे चले जाता हूँ, मतलब अभी सर्च परफॉर्म पे. अभी मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ कि एक मेरे फील्ड पर्टिकुलर फील्ड पे कंप्यूटर साइंस पे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पे क्या क्या जर्नल है जो कि ESCI और ASCI तो नहीं होगा, मोस्टली ESCI जर्नल पे इंडेक्स है. तो मैं यहाँ पे क्या सर्च परफॉर्म करूँगा, बिकॉज आई डू नॉट नो द एग्जैक्ट नेम ऑफ द जर्नल, तो मैं यहाँ पे कीवर्ड पे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कर देता हूँ. तो यहाँ पे आ गया एंड आई विल पुट ए सर्च. तो आप यहाँ पे देखो एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा है, मतलब डिड यू मीन दिस जर्नल करके वो दे दिया. तो यहाँ पे आपको ये सब जर्नल अभी यहाँ पे आ गया. यू हैव सो मैनी जर्नल, अबाउट 3012 जर्नल है, बट यहाँ पे दिस इंक्लूड ऑल द इंडेक्सिंग. तो आपको फिल्टर पे आना है, फिल्टर पे आके यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ओनली ESCI. अगर आप ESCI जर्नल को यहाँ पे अगर देख रहे हो तो फिल्टर अप्लाई करने के बाद देखो यहाँ पे सब चेंज हो गया, ESCI पे हो गया. सो दिस इज हाउ यू कैन थिंक ऑफ सिलेक्टिंग योर जर्नल. अनदर थिंग कि हमको कंफर्म करना है इम्पैक्ट फैक्टर मिला है JCR रिपोर्ट पे, दैट इज इम्पैक्ट फैक्टर फॉर द ईयर 2022, मतलब JCR जो मैट्रिसेस आएगा फॉर द ईयर 2022, एंड जो JCR रिपोर्ट होता है वो 2023 है. तो यहाँ पे आप देखो मुझे एक नोटिफिकेशन भी आ रहा है, लुकिंग फॉर 2022 JCR मैट्रिक्स, दे विल बी अवेलेबल इन द MGL मास्टर जर्नल लिस्ट इन मिड जुलाई, सो स्टे ट्यून्ड. तो वो जब अवेलेबल होगा क्या होगा, बेसिकली आप जो JCR रिपोर्ट यहाँ पे जो ऑप्शन है आप देखो अभी हैज इम्पैक्ट फैक्टर 2021 है. अगर यहाँ पे हैज इम्पैक्ट फैक्टर 2022 आ गया, दैट मीन्स यू कैन आप एक श्योरिटी हो जाएगा आपके पास कि उनको सबको इम्पैक्ट फैक्टर मिला है. अगर मैं यहाँ पे इसको अप्लाई कर दूँ, आप देखो सब ये हट गया. क्यों हट गया? यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया हुआ है ESCI, देन यहाँ पे 2021 का इम्पैक्ट फैक्टर, तो 2021 में इम्पैक्ट फैक्टर नहीं मिला था, दैट्स वाई यहाँ पे जीरो रिजल्ट आ रहा है. अगर ये 2022 जब यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, अप्लाई करोगे तो आप रिकन्फर्म कर रहे हो, क्रॉस वैलिडेट कर रहे हो कि उनको इम्पैक्ट फैक्टर भी मिला हुआ है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो. तो यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे बायोमेडिकल का देख रहे, तो यहाँ पे आपको ये जर्नल मिल गया जो मैं आपको क्रॉस चेक करके बता रहा था. तो ये जर्नल ऑलरेडी है यहाँ पे, एंड सिमिलरली अदर जर्नल भी है. आप अगर यहाँ पे कंप्यूटर साइंस को करोगे तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ESCI सिलेक्ट किया हुआ है, तो दीज आर द अदर जर्नल और द जर्नल जो एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे अबाउट 6070 जर्नल शो कर रहा है जो कि कंप्यूटर साइंस एरिया पे है, इंडेक्शन ESCI. अगर हम ESCI नहीं, अगर समबडी वॉचिंग फ्रॉम आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज एंड देन दे हैव टू डू इट, यहाँ पे जो इंडेक्सिंग है आपको सिलेक्ट करना है ESCI. तो ESCI करने के बाद यू सी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अप्लाई हुआ है ESCI एंड अभी कंप्यूटर साइंस पे अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो फ्यू जनरल दोज माइट बी रिलेवेंट, तो यहाँ पे भी ESCI कैटेगरी पे आ जा रहा है, बट मोस्टली नॉट. तो मैं इसको हटा देता हूँ एंड मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड हम कुछ भी एक सिलेक्ट करते हैं, आर्ट्स मैं कर देता हूँ
एंड यहाँ पे इसको कर देता हूँ ASCII, तो यहाँ पे ये सब जर्नल अभी आपका आ गया अबाउट 1834 जर्नल जो कि ASCII पे इंडेक्स है। तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज से जो हैं, दिस इज हाउ दे कैन रिकन्फर्म कि वो यहाँ पे इंडेक्स है नहीं है। एंड जस्ट वेट फॉर द JIF 2022 यहाँ पे आने के लिए, जब वो आ जाएगा यहाँ पे मिड ऑफ जुलाई पे, आई विल कम अगेन, आई विल मेक अनदर वीडियो टू रिकन्फर्म, जो इम्पैक्ट फैक्टर को हम रिकन्फर्म करेंगे। अभी तो आप अगर सबमिट करना चाहते हो इस वे पे क्रॉस वैलिडेट करके आप सबमिट कर सकते हो। सर्टनली इम्पैक्ट फैक्टर जो भी होगा, आई थिंक रेपुटेड पब्लिशर एज आई टोल्ड, वो अपने वेबसाइट पे मेंशन किए होंगे, जो कि फेक नहीं होगा। बट द जनरल जो न्यू है, जिनको उतना आइडिया नहीं है, शायद वहाँ पे हमको क्रॉस वैलिडेट करना पड़े। बट अनदर वे दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, आप क्या कर सकते हो, कुछ टाइम अभी वेट कर लो, इन रिसर्च गेट और सो यू विल गेट द JCR 2023 इम्पैक्ट फैक्टर के साथ। अभी जो अवेलेबल है JCR 2023 इम्पैक्ट फैक्टर, आप सर्च करोगे और समथिंग यू नो ESCI मैंने यहाँ पे सर्च किया हुआ है, आप देखो इन रिसर्च गेट आप कर दो तो सो मेनी रिजल्ट यू विल गेट, वेयर पीपल दोज हैव SS, जिनके पास SS है वो लोग डाउनलोड करके अपने यू नो प्रोफाइल पे अपलोड किए हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। दिस इज नॉट द एक्चुअल वे और राइट वे टू डू इट, बट यू कैन गो थ्रू इट एंड यू कैन हैव सम इंफॉर्मेशन, बट उसको आपको क्रॉस चेक करना है MGL पे आके। तो अभी मैं चेक कर रहा था जो अवेलेबल है रिसर्च गेट पे एज ऑफ नाउ जुलाई 6th of July पे, तो ESCI पे जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो इंक्लूडेड मुझे नहीं मिला, शायद कल कोई अपलोड कर दे, तो यू कैन हैव ए लुक ऑन दैट एज वेल। सो दिस इज हाउ यू नीड टू चेक। आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, अगर आप फर्स्ट टाइम ये चैनल पे हो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लेट अस नो, मुझे आप बताओ कि आपको किस में दिक्कत है। आप एक बार प्लेलिस्ट देखो, अगर वहाँ पे भी आपका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, डू लेट मी नो, आप कोई भी वीडियो पे कमेंट करो एंड वी विल वर्क ऑन इट एंड विल कम अप विद ए सोल्यूशन, विल ट्राई टू यू नो। सो स्टे ट्यून, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।